एक बार मैंने मेरे दोस्तों के साथ गोवा में मस्ती करने के लिए प्लान बनाया हम सब इकट्ठे हुए गोवा पहुँचे और होटल का रूम लिया वो भी बीच व्यू वाला शाम को हम बीच के किनारे जाके बैठ गए उन समुद्र की वेव्स को देखकर उसकी आवाज़ को सुनकर मज़ा आ गया ऐसा लगा कि हो गया पैसा वसूल अब सेल्फी लेने के लिए जेब में हाथ डाला तो देखा कि मोबाइल ही गायब था अब समुद्र की आवाज़ कान से गायब हो गई और आंखों के सामने मोबाइल नाचने लगा कहाँ गया किधर होगा चोरी तो नहीं हो गया अब गोवा का आनंद गायब होकर मेरा मन मोबाइल में घूमने लगा अच्छा बताओ क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है हम्म, जब हम अपनी डिजायर्स फुलफिल करके खुशी हमें मिलती है तो वो भी इतनी फ्रेजाइल और लिव्ड होती है कि किसी छोटे से इंसिडेंट्स के कारण अचानक से गायब हो जाती है क्या ऐसी फ्रेजाइल शांति एक्चुअल में शांति है हुँ? मुझे लगता है इससे बेटर क्वालिटी की शांति तो अपनी ड्यूटीज फुलफिल करने में है जैसे एक फादर की बेटी की शादी है ना खाने की चिंता है ना सोने की पूरे दिन सुपर बिजी और फिर लड़की खुशी खुशी विदा हो गई छः महीने बाद बेटी घर आई और उसने बताया कि वो ससुराल में बहुत सुखी है उसका पति देवता जैसा है सासू माँ उसे बेटी की तरह रखती है ये सुनकर पिता को अपार शांति का अनुभव हुआ क्योंकि उनकी जो फैमिली की ड्यूटीज़ थी वो फुलफिल हो गई इस दूसरी शांति में केवल अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने का स्वार्थ नहीं है बल्कि अपनी डिज़ायर्स की पैरीफरी पूरी फैमिली तक एक्सपेंड हो गई थी आइए अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं हमारे घर में काम करने वाले रामू भैया का बेटा बेरोजगार था और एडिक्शन्स में लगा हुआ था मुझे बड़ी दया आई मैंने अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर एक स्मॉल इंडस्ट्री सेटअप करी वहाँ के सभी नवयुवकों को ट्रेनिंग दी कुछ ही महीनों में विलेज की सारी शक्ल ही बदल गई बहुत सारे नवयुवक को अब रोज़गार मिल गया था ऐसा कार्य करके हम सब दोस्तों को असीम शांति का अनुभव हुआ यहाँ कोई सेंसरी प्लेजर की क्रेविंग नहीं थी ना ही केवल अपने परिवार की ड्यूटीज़ को फुलफिल करने की डिज़ायर थी बल्कि यहाँ तो विज़न हमारा ब्रॉडन होकर के पूरे समाज के लिए अच्छा करने का हो गया था ये ब्रॉडर विज़न ही इस शांति को और निर्मल बनाता है अच्छा अब हम सोचते हैं कि क्या इसके बाद भी कुछ है क्या ऐसी कोई शांति है जो इससे भी ज़्यादा प्योर हो तो अब सुनते हैं सच्ची शांति के बारे में सच्ची शांति और डिज़ायर्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं मतलब जहाँ डिजायर्स हैं वहाँ शांति नहीं और जहाँ सच्ची शांति है वहाँ कोई डिज़ायर नहीं ये चौथी प्रकार की सच्ची शांति वही है जहाँ कोई इच्छा नहीं है सबके प्रति साम्य भाव है जहाँ हमारी दृष्टि व्यापक हो गई है कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं रहा इस शांति को जो अनुभव करता है उसके लिए ये दुनिया एक विशाल तरंगित सागर की तरह है सागर में कितनी तरंगे हैं और कहाँ कहाँ हैं ये जानने का कोई विकल्प नहीं यह पूरी दुनिया एक सेल्फ रेगुलेटेड कारखाने की तरह दिखाई देती है इसमें कितने पुर्जे हैं और कहाँ कहाँ हैं ये जानने का कोई विकल्प नहीं सच्ची शांति वहाँ है जहाँ हमारे मन में उठने वाली कुछ और की ध्वनि सिमट जाए बस यहीं पर बस यहीं कुछ और नहीं वहीं है सच्ची शांति और यही शांति है हमारे जीवन का लक्ष्य और वास्तविकता में असली धर्म